नमस्कार दर्शकों, मैं आरश अग्नोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए वर्ष 2023 में विवाह के योग हैं या नहीं है, और हैं तो कौन कौन से महीनों में है। विवाह के कारक ग्रह गुरु माने जाते हैं। गुरु जब भी शुभ भावों में गोचर करते हैं तो विवाह के योग बनते हैं, और अशुभ भाव में गोचर करते हैं तो विवाह के योग नहीं बनते। गुरु यदि राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हो, या आठवें भाव में गोचर कर रहे हो, या राशि से बारहवें भाव में गोचर कर रहे हो तो विवाह के योग नहीं बनते हैं, क्योंकि विवाह के मुहूर्त ही नहीं होते। ऐसे में यदि हम कन्या राशि के बारे में बात करें तो गुरु गोचर कर रहे हैं आपके सप्तम भाव में, मीन राशि में। इस कारण से विवाह के योग तो बनेंगे, लेकिन सीमित समय के लिए विवाह के योग बनेंगे। गुरु गोचर करेंगे 22 अप्रैल 2023 तक आपके सप्तम भाव में, तो 22 अप्रैल 2023 तक विवाह के योग रहेंगे, और मुहूर्त रहेंगे जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में। 15 मार्च तक विवाह के मुहूर्त है कन्या राशि वालों के लिए, और 15 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक खरमास रहेगा, सूर्य मीन राशि में चले जाएंगे तो विवाह नहीं होगा। उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक गुरु अस्त रहेंगे, तो विवाह के लिए कोई मुहूर्त नहीं बनेंगे। इस कारण से आप जो है विवाह कर सकते हैं 15 मार्च तक। उसके बाद जब 22 अप्रैल 2023 को गुरु सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में चले जाएंगे तो आपका आठवा गुरु चलेगा, इस कारण से पूरे वर्ष भर विवाह का योग नहीं बनेगा। तो सिर्फ आप जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ही विवाह कर सकते हैं, उसके बाद आप पूरे वर्ष भर विवाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि से गुरु आठवां प्रारंभ हो जाएगा 22 अप्रैल 2023 से। तो पूरे वर्ष भर आठवें भाव में ही गुरु का गोचर होगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही, धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893।